हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 खत्म हो गया है और उसमें कांग्रेस लगभग पूर्ण बहुमत के साथ आई है, हालांकि एक सीट कम है। अब देखते हैं कांग्रेस की सरकार बेरोजगारों के लिए कैसी साबित होती है। सबसे पहले मैं बात करूँ कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, तो इसके लिए आज मीटिंग होगी विधायक दल की। उसमें तय होगा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री रहेंगे या अशोक गहलोत। अगर विधायक दल की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलता है तो फिर यह पूरा निर्णय कांग्रेस आलाकमान पे के ऊपर जाएगा और राहुल गांधी ही तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री वो बनाते हैं। लेकिन जो चुनाव है उसमें कांग्रेस ने 99 सीटें जीती है, 99 सीटें जीती है, भाजपा ने 73 सीट जीती है और बसपा ने 6 सीट जीती है और अदर ने 21 सीट जीती है। तो अगर कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बनेगी, मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने या अशोक गहलोत बने, कौन कौन कांग्रेस के मंत्री पद के दावेदार है उसका हम इस वीडियो में देखते हैं। कांग्रेस के मंत्री पद के लिए कौन कौन दावेदार है, तो सबसे पहला नाम है रघु शर्मा। रघु शर्मा वर्तमान समय में अजमेर से सांसद है और केकड़ी से 2008 से 2013 में भी ये जीत चुके हैं और इन्होंने 19,461 मतों से जीत हासिल की है। तो ये काफ़ी बड़े दावेदार है मंत्रिपरिषद के लिए। अब देखते हैं उनको कौन सा मंत्री पद मिलता है या मंत्री पद नहीं मिलता, वो बात की बात है, लेकिन ये बड़े दावेदार है। दूसरा नाम अगर हम देखें तो जो सिविल लाइन से जो जयपुर सीट से प्रताप सिंह खाचरियावास जीते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास भी 2008 से 2013 में भी MLA रहे थे और पिछले बार चुनाव में वो अरुण चतुर्वेदी से हार गए थे, लेकिन आज उन्होंने वापस अरुण चतुर्वेदी को 18,078 वोटों से हरा के अपना बदला पूरा किया है और वो भी मंत्रिमंडल के काफ़ी बड़े दावेदार है। तीसरा नाम कोटा उत्तर से सीट से शांति धारीवाल। जो शांति धारीवाल 2008 से 2013 में जो अशोक गहलोत की सरकार थी उसमें शहरी विकास मंत्री एवं आवास मंत्री थे और आज उन्होंने प्रहलाद गुंजल को बड़े भारी मतों से हराया है और वो भी मंत्रिमंडल के काफ़ी बड़े प्रबल दावेदार है। अब उनको कौन सा मंत्री पद दिया जाता है या वापस शहरी विकास मंत्री मंत्रालय ही उसको दिया जाता है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन वो भी मंत्रिमंडल के काफ़ी बड़े दावेदार है। उसके बाद में देखें खेतरी सीट से कांग्रेस के जो जितेंद्र सिंह है वो 4 बार MLA रह चुके हैं और पहले जो अशोक गहलोत की सरकार थी उसमें वो ऊर्जा मंत्री थे, तो उन्होंने 1993, 98, 2008 और 2018 4 बार MLA रह चुके हैं और उनके भी मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की उनके भी काफ़ी संभावना है। अगला नाम है श्री माधोपुर सीट से कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह शेखावत। जो कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह शेखावत है वो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनके भी काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, क्योंकि दीपेंद्र सिंह शेखावत राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और राजपूत समाज के जो MLA है उनमें दीपेंद्र सिंह शेखावत का नाम सबसे ऊपर है मंत्रिमंडल के लिए। उसके बाद में देखें नादवारा सीट से कांग्रेस के CP जोशी। आपको पता है 2008 में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम पे मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे और ये कांग्रेस के तत्कालीन समय में अध्यक्ष भी थे, लेकिन ये एक बोर्ड से हार गए थे, इस कारण उस टाइम पे ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन अभी ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार के साथ साथ ये मंत्रिमंडल के भी काफ़ी बड़े दावेदार है और पूरे चांस है कि इनको मंत्रिमंडल में स्थान लगभग इनको स्थान मिलना तय है। उसके बाद में देखें और कौन कौन दावेदार है। हवामहल सीट से जो कांग्रेस के डॉक्टर महेश जोशी जीते हैं वो भी काफ़ी बड़े दावेदार है। उसके अलावा अगर ST कैटेगरी से बात करें तो लालसोट सीट से कांग्रेस के प्रसादी लाल मीणा को भी मंत्रिमंडल में मीणा समाज के कोटे के हिसाब से उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा मांडल सीट से कांग्रेस के रामलाल जाट, बीकानेर पश्चिम सीट से बी डी कल्ला पूर्व अशोक गहलोत पूर्व सरकार में भी मंत्री थे और बी डी कल्ला के अभी भी काफ़ी चांस है कि वो उनको मंत्रिमंडल का सीट दिया जाए। पीपलदा सीट पर कांग्रेस के रामनारायण मीणा कंटिन्यू जनरल सीट पर विजय हो रहे हैं और उनको काफ़ी चांस है कि उनको मंत्रिमंडल मिले। उसके अलावा अगर जाटों को स्थान देने की बात है तो जाटों में या तो महिपाल मदरेणा की जो पुत्री है उनको ओसिया से दिव्या मदरेणा उनको, या फिर नावा सीट पर जो कांग्रेस के महेंद्र चौधरी है या बायतू से हरीश चौधरी, इनमें से किसी को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है।
अभी आज जो मंत्री विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें देखते हैं किसको मुख्यमंत्री चुना जाता है और उसके बाद में किसको मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। लेकिन जो मैंने नाम बताया है उनके काफ़ी चांस है कि वो उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलने के काफ़ी चांस है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।